रहमान रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ सारा तारिक सर। मैं एमफिल स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ और आजकल काम करती हूँ इन टीचर ट्रेनिंग ब्लाइंड कॉलेज न्यू गार्डन टाउन। सो मैं लेक्चरर हूँ स्पेशल एजुकेशनिस्ट और मेरा स्पेशल एरिया है फिजिकल डिसेबिलिटी। सो हमने आज फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कोर्स जो हमारा है वो है प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सो हमने आज उसका चैप्टर वन स्टार्ट करना है और चैप्टर वन है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सो आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से तो कुछ थोड़े बहुत नो हाउ आपको होगा या वाकिफ होंगे। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हुए अपने लिए एज़ अ असिस्टेंट या एज अ हेल्प के तौर पे यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने या समझाने के लिए, इन सिंपल वर्ड। अब अगर हम टेक्निकली जाएं तो अगर हम अगली स्लाइड पे जैसे जाएं टेक्निकली, तो नहीं ये अगली स्लाइड पे जाता ही नहीं है, ये अगली स्लाइड पे जाता ही नहीं है जी। सो पहले अब आ गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जो हम क्लासरूम में बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनको कंक्रीट लेवल पे इंस्ट्रक्शन या चीज़ें समझाने के लिए यूज़ करते हैं। वो रियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो मॉडल्स भी हो सकते हैं, वो मैप्स भी हो सकते हैं, वो चार्ट भी हो सकते हैं, वो फ्लैश कार्ड्स भी हो सकते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, वो मोबाइल ऐप भी हो सकता है। बेशुमार देर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विच टीचर कैन यूज़ टू हेल्प हिज और हर लेक्चर। सो आपका कोई भी लेक्चर है जो आपने डिलीवर करना है बच्चों को, वो तभी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और अपीलिंग होगा जब आप टीचिंग या लर्निंग इंस्ट्रक्शंस यूज़ करोगे, मटेरियल्स यूज़ करोगे। सो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो आपके लेक्चर को फैसिलिटेट कर देता है। सो इसमें जो है आपने अगर स्पेशल बच्चों की बात लोगे जो हमारा बेसिक पॉइंट है, सो आप फिज़िकली हैंडीकैप बच्चों पे आ जाओ। फिज़िकली हैंडीकैप बच्चों की 101 टाइप्स हैं। आपको पता है कि मोर देन 300 डिसेबिलिटीज़ हैं और 3 मेन कैटेगरीज हैं जो आप फिज़िकली हैंडीकैप बच्चों को ट्रीट करते हो या मैनेज करते हो विद इन द क्लास। एक तो डिसेबिलिटी लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। दूसरा फिर इनकी डिजीज़ हैं, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और हेल्थ इम्पेयरमेंट्स हैं। सो ज़्यादातर एजुकेबल बच्चे जो होते हैं वो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट वाले होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ जो हैं वो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, उनको ज़्यादातर हॉस्पिटल और क्लिनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो हमारी कंट्री में बहुत कम स्कूल लेवल तक पढ़ते हैं। वो होम बेस्ड एजुकेशन ज़रूर लेते हैं, वो भी पेरेंट की एफर्ट से अपनी ट्यूशंस वगैरह, नॉट विद द स्कूल। और आप अगर हेल्थ इम्पेयरमेंट पे आ जाओ तो हेल्थ इम्पेयरमेंट बच्चे जो होते हैं
वो मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं, और नॉर्मल स्कूलों में भी उनकी अटेंडेंस बहुत कम होती है। जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ हैं, सोयर एलर्जीज हैं, जुवेनाइल ऑर्थराइटिस है, मे बी आप लोग ये दूसरे कोर्स में पढ़े होंगे डिजीज़। सो इन डिजीज़ वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए नॉर्मल ही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ किए जाते हैं बिकॉज़ दे आर स्टडिंग इन अ इंक्लूसिव सेटअप। सो अब स्पेशल क्लास की तरफ अगर आप आ जाओ तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही यूज़ किए जाएंगे। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट ज़्यादातर उनके सेंसरी कोई इशू नहीं होता, उनके विजन, उनकी हेयरिंग, उनकी टच और जो होती है कम्युनिकेशन पावर वो नॉर्मल होती है। तो इस वजह से टीचर के लिए आसानी होती है विजुअल और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने में या बाय करने में। ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स खुद ही बनाएं, आपको किसी भी लाइब्रेरी से, आपको मार्केट से, इसके अलावा आपको जो है कोई डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो एनजीओज हैं वो भी मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो आप एज अ इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो होते हैं जो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, उनको कंक्रीट लर्निंग देते हैं। कंक्रीट लर्निंग वो लर्निंग होती है जो बच्चा फर्स्ट हैंड नॉलेज लेता है। उसमें आप उसको चीज़ें दिखाते हो कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बेसिकली ये चीज़ें हैं। वो मॉडल्स होंगे या रियल ऑब्जेक्ट्स होंगे या चार्ट पेपर्स होंगे। जैसे आप अगर एग्जांपल लो, अगर कोई साइंस का टॉपिक है और आप उनको प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द लेक्चर कि आपने क्या पढ़ाना है उनको। अगर पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हो तो आप उसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रियल प्लांट कर सकते हो। आप बच्चों को दिखा सकते हो कि ये प्लांट का पत्ता है, ये स्टेम है, ये उसके रूट्स हैं, इस तरह फिर फूल उगते हैं, फूल के बाद जो है वो फल उगते हैं। तो आप हर चीज़ उनको रियल फॉर्म में दिखा सकते हो। तो उससे बच्चे का कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाता है और वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है उस लेक्चर में, उस लेसन में, क्योंकि बर्डन फील नहीं करता ना। तो इस वजह से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बहुत पॉजिटिव रोल जो है वो आपके लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। जी, अब हम आ गए बैकग्राउंड पे। सो थर्ड स्लाइड हमारी है अबाउट द बैकग्राउंड के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टार्ट कैसे हुए, किस तरह से टीचिंग लाइन में आए, किस तरह से ये पॉपुलर हुए इन आवर टीचिंग सिस्टम। सो एक शायर थे जिन्होंने एक पूरी पोइट्री की कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो होता है जो इंसान पूरी इंटरेस्ट से अपने जो उसके दिमाग में होता है उसको डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट से हासिल करता है। फॉर एग्जांपल इस पोइम में ये बताया गया है कि एक बंदा डायग्राम बनाना चाहता है, मून सर्कल बनाना चाहता है। अब मून जो है वो सुबह तो निकलता नहीं, तो वो बीच पे जाता है समुंदर के पास और इंतज़ार करता है कि शाम हो जाए, रात हो जाए और उसको मून नज़र आए। क्योंकि पानी में है तो आपने सुना होगा कि चांद की रिफ्लेक्शन से एक तो पानी भी बहुत ज़्यादा जो है वो उछलता है और मधुजगत उसका होता है। इसके अलावा मून बहुत प्रोमिनेंट आपको पानी में नज़र आता है, उसकी रोशनी से जो है ना बहुत ज़्यादा रोशन हो जाती है एनवायरनमेंट। सो उसने वो सारा जो है सीखने के लिए, वो इमेज लेने के लिए जो उसने क्लास में पढ़ा था या शायर की शायरी से सीखा था, वो खुद
वहाँ पे गया बीच पे, और शाम तक उसने चांद निकलने का वेट किया, और जिस वक़्त उसको वो मून नज़र आया तब उसने बैठ के तो वो अपनी कॉपी पे स्केच बनाया और ड्रॉ किया कि ये मून होता है। सो मून यहाँ पे क्या हुआ, एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कि जो उसने इंस्ट्रक्शनल ली थी, जो उसने पढ़ा था, उसको रियल फॉर्म में वो खुद देखने आया और फिर उसने उसको ड्रॉ किया। तो जब इस तरीके से कोई बच्चा सीखता है या पढ़ता है तो वो उसकी लॉन्ग लाइफ लर्निंग रहती है। जब वो एक दफ़ा वो चीज़ कंक्रीट फॉर्म में देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो चीज़ उसको कभी भूलती नहीं, वो उसको फिर चीज़ हमेशा याद रहती है। चाहे किसी भी फॉर्म में आप कभी भी उस बच्चे से उस चीज़ का पूछ लो, आप चेक करके देख लोगे तो वो चीज़ उसको कभी भूलेगी नहीं और वो आपको हमेशा एक्यूरेट जवाब देगा, क्योंकि वो कंक्रीट फॉर्म में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से वो चीज़ अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑब्जॉर्ब कर चुका होगा, सेव कर चुका होगा। जी, आगे हम आगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की जो कॉमनली टाइप्स हैं जो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं बीइंग अ टीचर, उसमें सबसे पहले प्रिंट आ जाता है। प्रिंट में हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हमारे पंपलेट्स होते हैं, हमारे पास फ्लैश कार्ड्स होते हैं, हमारे पास चार्ट पेपर्स होते हैं, इसके अलावा मैगजीन्स होते हैं, और छोटे मोटे जैसे हमारे पास आते हैं ये एडवर्टाइजमेंट कार्ड्स होते हैं, बेशुमार जो भी चीज़ प्रिंट में लिखी हुई हो और दिखाई दे रही हो प्रिंट फॉर्म में हो, वो आपके प्रिंट में जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में शामिल होते हैं। सो ये तो आप बहुत कॉमन यूज़ करते हो, टेक्स्ट बुक है, कोई और बुक है, रेफरेंस बुक है, मैगजीन है, जो भी बच्चे को आप प्रोवाइड कर सको, उसको दे सको जिससे वो सीख सके, क्योंकि ये तो आपका पहला जो है वो हो जाता है ना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो बच्चों को, आपको पता है छोटी क्लासेस में तो एक एक ही बुक जो है रेफर की जाती है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको आउटलाइंस दी जाती हैं कि आप खुला जहां मर्जी से बुक्स लेके तो पढ़ लो या देख लो, लेकिन क्लास लेवल पे, छोटे स्कूल लेवल पे, प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी लेवल पे तो पर्टिकुलर बुक्स होती हैं। सो प्रिंट फॉर्म में जो प्रिंट है ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का हिस्सा है जो टीचर के लेक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। टीचर उसी से आप बच्चों को पढ़ाती भी है और उसी से उसको होमवर्क भी देती है और बाद में उसी से उसकी एवेल्युएशन या असाइनमेंट्स भी चेक करती है। दूसरा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है विजुअल। विजुअल्स में रियल ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, मॉडल्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा मैप्स आ जाते हैं, ग्लोब्स आ जाते हैं, इसके अलावा आप जो है वो जो खुद चार्ट पेपर तैयार करते हो या आप ट्रांसपेरेंसीज बनाते हो, सो एंड सो फॉर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कोई डायग्राम्स बनाते हो, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन विजुअल। तो विजुअल्स का बहुत पॉजिटिव असर होता है बच्चों पे और वो बड़ा इंटरेस्ट लेके सीखते हैं, क्योंकि अमेरिकन रिसर्च है कि इंसान अपनी 75% नॉलेज विजन से लेता है। हमारी 5 सेंसेस है ना बच्चों, तो जो विजन है ये हमारी 75% नॉलेज को गेन करने का एक मकसद है, एक पॉइंट है। सो विजुअल्स जब आप बच्चों को दिखाओगे तो आप समझो कि 75% नॉलेज तो उन्होंने परसीव कर ली, ले ली, और उसी को वो आगे लेके चलेंगे और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी और लॉन्ग टर्म होगी, जो चीज़ वो रियल फॉर्म में देख लेंगे। जैसे पहले मैंने आपको प्लांट की एग्जांपल दी है, तो जब वो रियल फॉर्म में देख लेंगे तो फिर तो वो भूल ही नहीं सकेंगे ना, ये नेचुरल है कि फिर वो हमेशा उनके जहन में फिक्स रहेगा और वो उसको बड़े शौक से जो है
पी के याद कर लेंगे। सो विजुअल्स के बाद आ गया हमारी ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल्स में कैसेट्स आ जाती हैं, वीसीआर आ जाते हैं, हमारे जो है वो सीडी प्लेयर्स आ जाते हैं। सो ऑडियो विजुअल का एक अपना इम्पैक्ट होता है। आपने नोट किया होगा कि जो बच्चा या जो बच्चे ड्रामा देख के चीज़ सीखते हैं, टेलीविज़न से सीखते हैं, मूवीज़ से सीखते हैं, वो आम जिंदगी में किसी और चीज़ से नहीं सीखते। क्यों कहते हैं कि बच्चों को जो है वो पॉजिटिव कार्टून्स या अच्छी मॉरल बेस्ड मूवीज़ दिखाएं जिनसे उनको उनके करेक्टर पे अच्छा असर हो, क्योंकि जो चीज़ बच्चा सुन और देख के सीख रहा होता है वो बहुत उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। सो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है कि आप क्लासरूम के अंदर जो बच्चे को चैप्टर पढ़ाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चों को कायदे आज़म का लेक्चर दिया, आपके पास प्रिंट फॉर्म में वो चैप्टर था, और फिर आपने कायदे आज़म पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री या कोई मूवी ढूंढी, जैसे आप लोगों ने सुनी होगी बड़ी मशहूर मूवी है द जिना। सो द जिना जो है आपने बच्चों को ला के डीवीडी प्लेयर पे या सीडी प्लेयर पे लगा के सुना दी या कंप्यूटर पे उनको लैपटॉप पे दिखा दी, तो वो फिर सारी उम्र उनको नहीं भूलेगा। कायदे आज़म कौन थे, वो कैसे लगते थे, कहाँ वो पैदा हुए, क्या उनका करैक्टर था, पाकिस्तान कैसे उन्होंने बनाया, क्या क्या मुश्किलात उनको पड़ी, क्या क्या होता रहा, वो सब चीज़ें जो हैं उनके जेहन में नक्श हो जाएंगी। क्योंकि पहले आपने प्रिंट फॉर्म में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ किया अपने लेक्चर डिलीवर करने के लिए, फिर ऑडियो विजुअल उनको प्रॉम्प्ट दिया कि वो चीज़ उनको पक्की याद हो जाए, फिर वो कायदे आज़म का करैक्टर और पाकिस्तान की फाउंडेशन कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑडियो विजुअल के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर्स आ जाते हैं, हमारे मोबाइल्स आ जाते हैं, हमारी मल्टीमीडिया किट आ जाती है। तो आजकल तो आपको पता है, आप लोग खुद भी जैसे अभी पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो आप, हाइब्रिड लेवल पे पढ़ रहे हो, आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे हो, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, ऐसा ही है ना। तो ये एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के तौर पे भी क्लासरूम में यूज़ हो सकता है। वो इस तरीके से कि आपने बच्चे को कोई लेक्चर दिया और उसके बाद आपने कंप्यूटर पे कोई ऐप या गूगल या किसी भी और ऐप में उसकी एक्टिविटी एक प्लान की और वो एक्टिविटी हर बच्चे को उसके लेवल के मुताबिक कराई। ठीक है, सो फिर वो बच्चा उस चीज़ को नहीं भूलता, वो बड़ा इंटरेस्ट लेके उसको सीखता है। क्योंकि कंप्यूटर का आपको पता है बच्चों को वैसे ही शौक होता है, सो आप उसके अंदर कोई एक्टिविटी कार्टून्स की बना दो, कोई कलर्स की बना दो, और खेल खेल में उनको वो चीज़ आपने सिखा भी दी और उनको इंडिविजुअली कंप्यूटर पे करा भी दी। सो ये बेसिक जो है हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं जो अब क्लासरूम में बहुत पॉपुलरली यूज़ होते हैं और जो है वो हर बच्चा या हर इंडिविजुअल इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेता है। और बीइंग अ टीचर, ये आपके बहुत सपोर्टिव टूल्स होते हैं। आप लेक्चर तो बच्चे को देते ही हो, अपनी नॉलेज उनको ट्रांसफ़र करते ही हो, लेकिन ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं। टेक्स्ट बुक हो गई, डीवीडी प्लेयर हो गया, रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, मैप्स हो गए, चार्ट पेपर्स हो गए, इसके अलावा आप जैसे आ गया टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, और नाउ लेटेस्ट मोबाइल्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं इन डिलीवरिंग द लेक्चर। तो आप इनके थ्रू बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बच्चों को दे सकते हैं। नाउ एवेल्युएशन, एवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की एवेल्युएशन ये होती है कि आपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो क्लासरूम में यूज़ किए हैं
आप उनको अवेलुएट करो कि आया वाकई वो मुफीद हैं या बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको एक तो बच्चों के फीडबैक से पता चलेगा अगर बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर बच्चे उनसे सीख रहे हैं और वो आपको प्रॉम्प्ट या आपको रिप्लाई क्वेश्चन आंसर मेथड में ठीक दे रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो बेनिफिशियल है या ठीक है। अगर आपको फील होता है कि बीइंग अ टीचर आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इतना पावरफुल नहीं है, या बच्चे उससे सही तरह नॉलेज गेन नहीं कर रहे या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप उसको रिवाइज करते हो, या तो उसको चेंज कर देते हो या उसको मॉडिफाई और अडेप्ट कर लेते हो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस डिसेबिलिटी और नीड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने प्लांट की एग्जांपल दी, अगर आप देख रहे हो कि बच्चा प्लांट रियल फॉर्म में भी देख के नहीं सीख रहा या इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप रियल प्लांट को रहने दो। आप उनको एक और एक्टिविटी पे ले आओ, आप उन्हें को कि बीइंग का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आप लोग सब अपने घर से एक एक प्लांट लेकर आओ। कई दफ़ा बच्चे इससे बहुत अच्छा सीखते हैं, उनको कह दिया कि आप अपने घर से एक एक प्लांट लाओ, जब वो खुद लेकर आएंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेंगे और आपको खुद बताएंगे भी कि ये कौन सा प्लांट है, इसका कौन सा पत्ता है, कौन सा हिस्सा है, क्या इसके ऊपर उगता है, ठीक है। सो आपने थोड़ी से अडेप्टेशन से, मॉडिफिकेशन से वो स्ट्रेटजी चेंज कर दी। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वही है, लेकिन थोड़ा सा बदल के आपने, बजाय इसके कि आप खुद कोई प्लांट लाओ, आपने उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि वो प्लांट लेकर आए, ठीक है। सो एवेलुएशन में आपने रिटन फॉर्म में भी एवेलुएट आप कर सकते हो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को। आप उनको कहो कि जी मुझे ये ड्रॉ करके दो, बना के दो, ताकि आपको पता चले कि उन्होंने कितना उस मटेरियल से सीखा। या आप वर्बली उनसे पूछ सकते हो, ज़बानी बताएं वो कि एक ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल था जिसके थ्रू आपने ये लेसन प्लान किया था, तो वो लेसन को किस तरीके से आपको रिप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको समझ भी आई है कि नहीं कि जो आप उनको पढ़ा रहे हैं। वो आपको ओरली पूछने से भी पता चल जाएगा, रिटन पूछने से भी पता चल जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरीज में मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स कराए जा सकते हैं, लाइब्रेरियन मुख्तलिफ आपकी एक्टिविटीज़ प्लान कर देता है अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, कि वो टीचर का ज़रा बर्डन कम हो जाता है। वो ऑनलाइन एवेल्यूएशन ले लेता है बच्चों की कि आया उनको ये टॉपिक समझ आ गया, जो डिज़ायर्ड गोल था, जो हमारा मकसद था चैप्टर पढ़ाने का, क्या वो पूरा हो गया। अगर वो पूरा हो गया, बच्चों ने 90% 100% मार्क्स दे दिए, तो ये डेफिनेट है कि आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बहुत बेनिफिशियल था और बहुत मुफीद था इस लेसन प्लान के लिए या इस कोर्स के लिए, ठीक है। और अगर वाइस वर्सा बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी के 40% हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 50 हैं, तो इट्स मीन कि आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बेनिफिशियल नहीं था। यू नीड टू रिवाइज दैट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, या उसको चेंज कर दो, या उसको मॉडिफाई कर दो, या उसको अडेप्ट कर दो। उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जी बच्चों, सो कंक्लूजन में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने आसान नहीं होते। कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऐसे होते हैं जो आपको डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ना तो वो आपको मार्केट में मिलेंगे, ना प्रिंट फॉर्म में मिलेंगे, ना विजुअल्स में मिलेंगे, ना ऑडिटरी में मिलेंगे, और ना ही आपको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से कोई फ़ायदा होगा। सो फिर वो मटेरियल्स टीचर को खुद प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, फिज़िकली हैंडीकैप में कुछ बच्चे जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, जैसे वो सीपी भी होंगे और एस्पर्जर्स भी होंगे।
या ऑटिस्टिक भी होंगे और फिजिकली हैंडीकैप भी होंगे। सो जब इस तरह के चैलेंजिंग बच्चे आपके पास आ जाएंगे तो नेचुरली आपको जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके, आपको पता है कि एक एस्पर्जर बच्चा और एक ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से लर्न नहीं करता। आपको उसके लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करने पड़ते हैं, और वो मटेरियल ऐसे होते हैं जो पिक्टोरियल बेस्ड होते हैं, ठीक है? क्योंकि छोटे छोटे फ्लैश कार्ड पिक्चर्स की फॉर्म में आप एक ऑटिस्टिक और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को कराओ तो वो उसके थ्रू सीखता है, वरना वो नहीं सीखता। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, इसमें बहुत मेहनत दरकार होती है एक टीचर की, क्योंकि उसको बच्चे की नीड के मुताबिक लेसन प्लान करना पड़ता है, और फिर लेसन प्लान करके उसको वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करने पड़ते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा इसमें ज़ाहिर है बजट भी आपका लगता है। स्कूल बाज़ औक़ात आपको पैसे देता है, बाज़ औक़ात आपको नहीं देता। इसके अलावा NGOs कभी सपोर्ट करती हैं, कभी नहीं करती। सो टीचर को बहुत दफ़ा अपने बजट को हिलाना पड़ता है एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करने के लिए। उसको खुद थोड़ा सा अपना बजट लगाना पड़ता है। सो इट्स नॉट अ ईजी टास्क। इसमें आपका टाइम भी लगना है, आपके फाइनेंसेस, पैसे भी लगने हैं, और आपका जो है वो मेहनत भी लगनी है, और फिर आपने उसका आउटपुट देखना है कि क्या जो मैंने मेहनत की बच्चे को उससे कितना फ़ायदा हुआ है, बच्चे ने उससे किस हद तक लर्निंग की है। लर्निंग ज़रूर उसकी होती है, और काफ़ी अच्छे मानों में होती है, जो लॉन्ग टर्म उसकी लर्निंग चलती है और वो रिटेन रखता है। क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप प्लस अगर उसको कोई और डिसेबिलिटी भी आ रही है, जो कि अमूमन आजकल बहुत देखने में आ रही है कि फिजिकली हैंडीकैपनेस जो है वो सिंगल बेस नहीं होती, उन बच्चों को मल्टीपल इश्यूज होते हैं, तो फिर टीचर के लिए ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो एक स्पेशल एजुकेशनिस्ट की ये ड्यूटी है कि वो खुद से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोड्यूस करेगा और फिर उसे अप्लाई करेगा क्लास में, और तभी उसको उसका आउटपुट या रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में मिलेगा। थैंक यू।